अस्सलाम वालेकुम, आज हम बना रहे बीफ की लेजी। अगर आप लोगों को हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलते हैं हम अपनी बीफ की लेजी की तरफ। यहाँ पे मैंने तवा गरम होने के लिए रख लिया था, तवा गरम हो गए। अब हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल को गरम होने देंगे अच्छे से। अब हम डालेंगे कलेजी। कलेजी को मैंने नमक से अच्छे से वॉश कर लिया है, नमक लगा के अच्छे से वॉश कर लिया। कलेजी को हमने 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमारी कलेजी को फ्राई होते हुए 3 मिनट हो गए, 3 से 4 मिनट। ये अच्छे से भून भी लिए हैं, ये देखिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और लहसुन का कच्चापन खत्म होने तक अच्छे से हम भूनेंगे। तो हमारा लहसुन अदरक अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज का पेस्ट, टमाटर और प्याज, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेना है। हमारा प्याज अच्छे से भून चुका है। अब हमने इसमें ऐड करना है टमाटर, टमाटर की प्यूरी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट मज़ीद हम भून लेंगे तेज़ आंच पे। अब हमने इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून दानादार मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट हम मज़ीद पका लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून। अब नमक ऐड करेंगे हसबे ज़रूरत। नमक हमने बिल्कुल एंड पे ऐड कर लिया, मिक्स कर लेंगे, 1 मिनट अच्छे से भून लेंगे। अब हमने बारीक कटी हुई हरी मिर्च और हरा धनिया ऐड कर लेना है। अब हमारी कलेजी बिल्कुल रेडी है, डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह हमारी मसाले वाली कलेजी
रेडी है, आप लोग भी ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।